हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय पेज एंड चैनल राइड विद तेजस कुट्टा। सो बेसिकली आज का वीडियो है लाइक विद रिगार्ड्स टू बाइक मॉडिफिकेशंस। मुझे काफी डीएम्स आ रहे थे, काफी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं विंडशील्ड कहाँ से लिया है, थोड़ा एक ब्रीफ अबाउट बाइक मॉडिफिकेशंस। सो आज का वीडियो उसी के रिगार्ड में, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि मेरा फर्स्ट व्लॉग रहेगा ऑफिशियली। सर जहाँ मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में शुरू हो जाएगा, बाइक कुछ मॉडिफिकेशन है। एंड या वन मोर थिंग इज दैट कि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार बजाज एवेंजर या ये बाइक सही है या नहीं है लद्दाख पे जाने के लिए। देखिए मैं भी लाइक काफ़ी बाइक चला चुका हूँ, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस कोई बाइक कम नहीं होता है। इट्स ऑल दैट यू नो यू शुड हैव पैशन एंड टू ड्राइव एंड मेंटेन योर व्हीकल इन अ गुड कंडीशन एंड गियर अप विद अ प्रॉपर राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, नी पैड और शूज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हेलमेट। आप हेलमेट सही ढंग का पहने, आप ना ही रोड साइड या लोकल हेलमेट यूज करें। दैट्स इट। सो मैं बाइक के पास जाके आपको पूरा जो मॉडिफाई किया है आपको वो दिखा देता हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मेरे बाइक के विंडशील्ड पे ना लिखी मिले का स्टिकर लगा है, लेकिन उन्होंने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया था। इज दैट कि मैं लद्दाख पे बाइक का ऑयल चेंज करवाया था। इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम जो वहाँ के गैरेज मैन थे उस बंदे ने वो स्टिकर लगाया था और मुझे वो ठीक भी दिख रहा है, गाड़ी को कुछ अच्छा भी लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, यू जस्ट एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो। आप देखिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी सर्टन डाउट, एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। And you can also add some comments below if you want me to answer them straight away over there itself. I can do that thing. Yeah, that's it for now. Okay, yeah. As I said, this is my bike, Bajaj Avenger. You can see. Firstly, modifications जो किए हैं bike पे, मैं start करूँगा from this windshield, which plays a major part. So आप cruise करते हो highway पे the speed of 80 to 120 between. तो ये विंडशील्ड आपको हेल्प करेगा, जो विंड ब्लास्ट होता है उसे से अवॉइड करेगा विंड ब्लास्ट से। एंड आई बॉट दिस फ्रॉम कार्बन रेसिंग। सो दिस इज विंडशील्ड इज फॉर बुलेट 350 और मे बी फॉर हिमालया। सो ये मैंने थोड़ा कस्टमाइज करवाया, ये लोग का बस एक ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट के यहाँ पर लगाना होता है एंड यहाँ पर आपको एक रॉड कनेक्टिंग रॉड दिया होता है। सो दिस इज समथिंग लाइक कोई भी लोकल मैकेनिक या आप खुद कर सकते हो। एंड आई हैव सम फॉग लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट्स, नीचे भी दो एलईडी फॉग लाइट्स दिया है, उनके इंडिविजुअल स्विच यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। सो इफ इन केस मुझे फॉग होता है या फिर मिड नाइट ट्रैवल करना होता है, कंपनी का जो ऑफिशियल जो मुझे कंपनी फिटेड बल्ब आता है, दैट इज नॉट दैट नो ब्राइट इनफ। दिस फॉग हेल्प मी टू ड्राइव सेफली इन नो एट टाइम्स जहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है। देन कमिंग टू दी कम्फर्ट, ये सीट मैंने मॉडिफाई करवा के लिया है, बकेट सीट वी कॉल इट, ये लोकली करवा के लिया है फ्रॉम पुणे। अगर आपको चाहिए आप पुणे के नानापेट से भी करवा सकते हो, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3500 रुपीज टू 4000 रुपीज, 5000 के अंदर ही हो जाएगा। ओके, बट या दिस प्लेज अ मेजर रोल, काफी कंफर्टेबल गाड़ी रहती है। आई कैन नो डू अ 600 टू 800 किलोमीटर्स इन अ सिंगल स्ट्रेच। सिंगल स्टेज में नहीं, यानी कि ब्रेक तो ऑब्वियसली होता है, बट आराम से एक दिन में आप 800 किलोमीटर तक कवर कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट, राइट। एंड इसके बाद में आई हैव दिस बैक रेस्ट, ये काफी दिनों पे लगवाया था, अवॉइड दिस कलर इसका निकल चुका है बट लगेज करते हुए। सो दिस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, यहाँ पर उसका बैक रेस्ट था, मैं लद्दाख राइड में पता नहीं कहाँ गिर गया। एंड पिलियन के लिए सही है, आई हैव अ रैक हियर जहाँ पर आई कैन यूज फॉर माउंटिंग माय लगेज और दैट्स इट फॉर नाउ। लाइक मैं एक फोटो डाल दूंगा कि बाइक लोडेड कैसी दिखती है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल अंडर 200cc एंड विद इन योर पॉकेट बजट एज वेल। या आई फॉरगॉट वन मोर थिंग, मोबाइल चार्जर, व्हाट आई फील इज दैट कि काफी कॉमन हो चुका है, हर एक बाइक पे दिखेगा, बट ये लगवाया है जिसके अंदर मुझे चार्जिंग का भी स्लॉट दिया है। सो मैं आई एम यूजिंग अ SJ6 लेजेंड एक्शन कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग ऑल माय राइड्स, सो उसी के बहाने आई कैन रिकॉर्ड दिस थिंग्स इनटू माय
know, whenever I ride, I can record on the go itself. So yeah, that's it for now. If something else hota hai, you can mention in the comment or you can just drop me a message. I'll try to, you know, answer all the queries. So yeah, as I said, ये windshield का तो description add कर दूँगा and also the address नाना पेट में आपको एक shop है उसका भी मैं location डाल दूँगा. Maintain your vehicle as if like, you know, it's your something you travel on daily basis, so make sure you take care of this vehicle and vehicle will take care of you. That's it for now. And as I said कि कुछ queries भी थे इसमें. So there are many people who say कि आपने लद्दाख टूर किया है, क्या पहले राइड करते थे. बेसिकली आई गिव माई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम पता है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उनके तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट यार द पीपल हु आर न्यू टू माई इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माय नेम इज तेजस पुट्टा. मैं बेसिकली जालना महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. वर्किंग इन पुणे प्रोफेशनली, आई एम वर्किंग एज ए ERP एक्सपर्ट एंड मैं जो ये राइड्स करता हूँ वीकेंड राइड्स करता हूँ. आई एम अ बाइक एंथुजियास्ट, तो वीकेंड्स पे जब भी पॉसिबल होता है टाइम निकाल के मैं राइड्स, न्यू प्लेसेस, न्यू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करता हूँ एंड ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ. लेकिन वीकेंड्स भी होते हैं मेरे, अनप्लान टूर्स भी होते थे. पहले रिकॉर्ड नहीं करता था, जस्ट चल दिया, दैट्स इट. एक्सप्लोर कर लिया, इन आपको से रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट. बट अभी या आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. कुछ अच्छा अगर दिखाना है तो लेट्स कुछ अच्छा चीज़ है तो लेट्स स्प्रेड इट आउट, राइट. बुरी चीज को हम खुद में ही दबाना चाहिए, बट जो अच्छी चीज है डेफिनेटली वी शुड शेयर विद ऑल द सराउंडिंग पीपल एंड अदर थिंग. सो दैट्स इट फॉर नाउ. सो आई विल बी एडिंग सम न्यू अपकमिंग राइड्स के डिटेल्स. दे विल बी मेनी राइड्स गोइंग फॉरवर्ड विद दिस बाइक एंड लाइक आई स्टार्टेड माई राइडिंग करियर फ्रॉम अ व्हीकल स्कूटी, इट वॉज प्लेजर. देन आई केम टू शाइन, देन शाइन से आई केम टू बजाज एवेंजर एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड इवन बजाज एवेंजर विल बी चेंज. इसे तो बेचूंगा नहीं, बट डेफिनेटली आई कीप इट एज अ स्पेयर. बट अरे हाँ, आई फॉरवर्ड वन थिंग टू मेंशन बेसिकली कि मैंने यहाँ पर एक हैंडल बार राइजर लगाया है, सो दैट विल आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस दिख रहा है डिस्टेंस. तो ये एक जुगाड़ किया था यूजिंग लाइक एक बंदा था नाना पेट में, आई टूक हेल्प ऑफ दैट पर्सन. आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि उसे क्या कहते हैं. एक डिस्टेंस होता है एक इंच का, डेढ़ इंच का, वो लगा कि इसे हैंडल ट्राइस किया है. सो या स्पीकिंग अबाउट दिस व्हीकल, बजाज एवेंजर इज द बेस्ट व्हीकल आई वुड से इन द सेगमेंट फॉर टू क्रूजिंग अर्बन एंड रूरल एज वेल, जहाँ पर देयर इज अ रोड एंड नो रोड एज वेल. नॉट हार्ड कोर ऑफ रोडर, बट या जिन्हें राइडिंग का पैशन है वो आर कम्फर्टेबल एंड फील गुड ड्राइविंग ऑन द स्पीड ऑफ 80 एंड 100. दैट्स अ डिसेंट बाइक. दैट्स इट फॉर नाउ. चलो, आई नो इट्स अ फर्स्ट ब्लॉग, थोड़ा अनप्रोफेशनली किया है, इट्स टोटली न्यू टू मी. आई एम गोइंग फॉरवर्ड ट्राई टू फिगर इट आउट कि इसे मैं कुछ सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करूँ एंड एड सम गुड पॉइंट्स. ठीक है, चलो.